पाकिस्तान आर्मी इज नॉट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। सोबान ने फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट, अन करीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल टर्न रिटर्न टू दमिश्कस, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्ने मरियम, और अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को पा लेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पा ले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क्यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। पाकिस्तान के एक फौजी अफसर ने कहीं कुछ लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी खात्मा कर देंगे, और कहीं पता नहीं ईस्ट से कोई आर्मी आएगी, मेहदी की आर्मी आएगी, और वो भारत को ख़त्म कर देगी। अजीबोगरीब मेंटेलिटी है, अजीबोगरीब माइंडसेट है। इस पर अगरचे सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानियों ने भी बहुत एहतजाज किया, मगर वो एहतजाज भी उन लोगों ने किया जो पहले गज़वा हिंद के हामी थे और इमरान खान के तब भी सपोर्टर थे, आज भी सपोर्टर हैं। अगर आर्मी उनको अपनी गोद में वापस ले लें तो वो भी इसी गज़वा हिंद के साथ आगे चल पड़ेंगे। तो ये माइंडसेट पाकिस्तान में कब ख़त्म होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पे बात के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या जी, हम उनका स्वागत करते हैं दिल्ली से। साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रगुजार हैं। सर ये जो माइंडसेट है गज़वा हिंद का, ये आप तो बहुत इंजॉय करते होंगे देख के इसको, कि ये नहीं जाने वाला पाकिस्तान से। सर मुझे बस एक चीज का ये अफसोस है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी जो है सर, ये सिर्फ बोलते हैं, ये करते नहीं है। ये पूरा जो गज़वा हिंद का मामला है, वो जो पाकिस्तानी फौज का अफसर है, हम ये कर देंगे, कोई महदी है जिसकी आर्मी आएगी, ईस्ट से आएगी आर्मी, पता नहीं कौन सी ट्रेन से आ रही है, आर्मी अभी तक तो पहुंची नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं विच ट्रेन और विच फ्लाइट दिस आर्मी इज टेकिंग। तो सर ये मेरा सिर्फ ये है कि एज अ प्रोफेशनल आर्मी जो मैंने सीखा है सर, एंड आई वॉज अ वेरी जूनियर ऑफिसर इन द आर्मी, सो बट जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा, मुझे सिर्फ ये बोलते थे कि लेट योर एक्शन स्पीक, यू कीप क्वाइट, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अपना काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम बोले, तुम्हें बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे फौज ने सिखाया और मैंने फौज से सीखा, तो जो करना होता है कर देते हैं। जैसे भारत की भी यही फिलॉसफी है सर। इंडिया में भी इंडिया की सरकार आप देखिएगा कभी लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट नहीं करती। मोदी जी को जो करना है 370-35 से हटाना है, एक दिन अचानक हट जाएगा, कहानी खत्म। इसके ऊपर लंबा चौड़ा बयान देना कि हम ये कर देंगे, फिर वहां से फौजें आएंगी, वहां से घोड़े आएंगे, फिर यहां से हम लोग लाल किले पे सब्ज परचम सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, ये होगा, ये सब क्या बोलने की जरूरत है, इसको बार बार इसको अनाउंस करने की क्या जरूरत है। जिसको करना है वो कर देता है सर, जिसको बोलना है वो बोलता रहता है। तो बड़बोले लोग हैं सर, वी डोंट टेक देम सीरियसली। यहां पे तो बड़ी मजाक उड़ाई गई, और जनरल का सर ही वो पता नहीं जनरल था कर्नल था क्या था, आई डोंट नो, रैंक्स मुझे ठीक से दिखे नहीं, लेकिन हाईली अनफिट वो बिल्कुल, ऐसा लग रहा था, मैंने वो ट्वीट भी करा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हलवाई या फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहा है, मतलब सो फैट। वो तो बॉर्डर तक जाते जाते वो हाँफ जाता सर वहां पे, ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू वॉक टू द बॉर्डर। ये सब ये बातें करते हैं सर ये, और यही थोड़ा सा अफसोस होता है कि मतलब यू नो कि व्हाई डोंट दे डू समथिंग, मतलब आपको लड़ना है आप लड़िए, आपको नहीं लड़ना है आप मत लड़िए। ये लड़ते नहीं है, ये लड़ाई के बारे में बातें बहुत करते हैं। जैसे मेरे बारे में भी सर, मेरे घर में माई मदर सेज कि ये खाने के बारे में बातें बहुत करता है, खाता नहीं, खाता इतना सा है, और बातें ऐसी कर देगा कि मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है, मेरे लिए ये भी लाओ वो भी लाओ, और जब आता है तो खानी इसने वही 1.5-2 रोटी है, खाता वाता नहीं है। तो मुझे ऐसे यही लगता है कि सर आई थिंक दे एंजॉय टॉकिंग मोर देन फाइटिंग सर, लाइक आई एंजॉय टॉकिंग अबाउट फूड मोर देन ईटिंग फूड सर, सो आई थिंक यही है चक्कर। जी भाई साहब आपने कहा कि ये बातें करते हैं, कुछ करने जोगे नहीं है, कर सकते भी नहीं, मगर माइंड सेट मेरा मसला ये है कि माइंड सेट जू का तू है। आप ये बताइए कि एक इसमें थोड़ी सी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है, बहुत सारे लोग इसको ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं, मगर
नीचे आके पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इस पे लान तान कर रही है। आप इस सीन को कैसे देखते हैं? सर मुझे पता नहीं है, देखिए मैं पाकिस्तानी रिएक्शन मैंने इसको देखा नहीं है कि क्या पाकिस्तानी रिएक्शन है इसके ऊपर, बट मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मैंने पाकिस्तानी रिएक्शन, आजकल बड़ी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और जो पाकिस्तानी कई सारे एंकर्स हैं वो दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ क्यों ना ट्रेड होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जब खजाना खाली होता है तो तब इनको अमन की आशा की याद आती है, और ये बात मैं बार बार कहता चला आया हूं कि जिस दिन पाकिस्तान का पेट भर जाएगा या जिस दिन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक लेवल के आगे होंगे, जो डिफॉल्ट के दाहने पे इकोनॉमी खड़ी है वहां से हट जाएगी थोड़ा सा पीछे और कंफर्टेबल पोजिशन में हो जाएगी, इन्होंने फिर ये चीज शुरू करनी है। बिकॉज दैट कंट्री वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हेट, जो बीज बोया है सर नफरत की बिना पे ना, जो भी बीज बोया है कोई एक्स चीज है, अगर आप बीज बबूल का बोएंगे फिर आप सोचेंगे उसमें से आम या सेब निकलेंगे, तो आम या सेब तो नहीं निकलेंगे, और बबूल का पेड़ सर कांटे ही निकलने उसमें से। तो जब मुल्क बनाया हेट्रेड की बिना पे कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, राइट? अब ऐसी बात नहीं है कि सर भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में तकरार नहीं होती, झगड़े नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, होती है, लेकिन देयर इज एन अटेम्प्ट एंड इट इज ऑलवेज एन अटेम्प्ट। घर में लोग होते हैं सर, घर में लोगों के बीच में लड़ाई होती है, राइट? होती है, नोकझोंक होती है, लड़ाइयां होती हैं, 140 करोड़ लोग हैं सर, झगड़े होंगे, जाहिर सी बात है झगड़े, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता, एक घर में एक जैसा दिमाग नहीं होता, एक मुल्क में एक जैसा दिमाग कैसे हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में लार्जली द थॉट इज दैट अभी कॉम्प्रोमाइज कर लो, अभी माहौल खराब है, अभी खाने को नहीं है, डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हैं, जिस दिन तगड़े हो जाएंगे फिर भारत को देख लेंगे। सो दिस टाइम इंडियंस भी इसी नजर से देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो जिसको कहते हैं ना कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन यही है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी राइट नाउ। इंटेंट वही है सर, इंटेंट में कमी नहीं है, कैपेबिलिटी में कमी है। जिस दिन कैपेबिलिटी हो गई, इंटेंट ऑलरेडी है सर। लेकिन सर कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान में पहले भी कुछ ज्यादा नहीं होती थी, 71 आपके सामने है, पूरा आधा देश गवाह बैठे, और जो प्रोजेक्शंस हैं भारत जिस तरह आगे जा रहा है और पाकिस्तान जिस तरह पीछे जा रहा है, कैपेबिलिटी तो ये फिर कभी पाकिस्तान को मिलने वाली नहीं। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? सर जब मैं कैपेबिलिटी कहता हूं, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं जिहाद की बात कर रहा हूं, लश्करे तैयबा, जैश मोहम्मद, इन सब चीजों में पैसा लगता है ना सर। अब नार्को टेरर से जनरल साहब के पास भी पैसा जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा हाफिज सईद के पास आ रहा है। दिस रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी, दिस रिक्वायर्स अ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोगों को तैयार करना पड़ता है, वो दिन में तीन बार खाना भी खाएगा, दो बार तो खाएगा ही खाएगा कम से कम, फिर सम मनी हैज टू बी गिवन टू हिज फैमिली इफ ही डाइज इन इंडिया, बिकॉज इफ ही कम्स टू इंडिया देन नॉर्मली ही विल नॉट गो बैक अंडर द बेस्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वो तो जाएगा नहीं वापस। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मनी। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान FATF में इतनी बार जा चुका है सर, 4 times इट्स बीन इन FATF, तो थोड़ा सा वहां पे भी पाकिस्तान को डर है। अब देखिए ना, जहां तक जिहाद की बात हम करते हैं सर, पाकिस्तान आर्मी का तो मोटो है ईमान तक्वा जिहाद फी सबीलिल्लाह, सो विच मीन्स दैट इट इज नॉट अ प्रोफेशनल फाइटिंग यूनिट। द अवाउड एम ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इज जिहाद, वो चाहते हैं जिहाद करना, वो जिहाद के लिए जीते हैं, जिहाद के लिए मरते हैं। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि तुम करते, तुम बोलते ज्यादा हो, तुम करते कुछ नहीं हो, और इनके बस का कुछ नहीं है सर। मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, अगर मेरा दुश्मन भी अगर एक खास लेवल का होता तो मुझे भी थोड़ा सा फक्र होता, मुझे भी गर्व होता कि यार मैं जिससे लड़ रहा हूं कम से कम वो मेरे कद का तो है। अब फाइटिंग विद पिग्मीज सर, वी आर फाइटिंग विद पिग्मीज, एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, फॉर अस इंडियंस इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा दुश्मन इतना छोटा निकला, हमारा दुश्मन उतना कद, कद जब मैं कद की बात करता हूं, मैं I'm talking about capability. तो कद उसका बहुत कम निकला, तो this was like an anti-climax सर, कि है क्या चल क्या रहे। आपने जहाद की बात की और लश्कर तैयबा और इस तरह की जो जहादी तंजीमें हैं उनकी बात की, इनके बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से फिर ये बयान आता है कि ये भारत करवा रहा है, तो ये जो पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं जहादी लीडर्स और उनके करीबी साथी, आप क्या समझते हैं कि वो अपने एसेट्स को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, या जब वो भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो कोई भारत भी इसमें कुछ करने के लिए कुछ आगे काम कर रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के इल्ज़ाम को?
सर मुझे नहीं लगता कि भारत कुछ कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि भारत को कुछ करने की जरूरत है। पाकिस्तान का वैसे ही बड़ा गर्क, हम क्यों करेंगे सर? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान में उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं जो भी हैं, उन्होंने हर समय पाकिस्तानियों को एक ही चूर्ण दिया, इंडिया कल अटैक करने वाला है, इंडिया परसों अटैक करने वाला है, इंडिया की फर्स्ट आर्मर डिविजन जो है वो मूव कर चुकी है, इंडिया की जो पैरा ब्रिगेड है वो मूव कर चुकी है, बस इंडिया किसी भी, तो इंडिया गया ही नहीं वहां पे। तो हमें, हम क्यों मारेंगे सर उन लोगों को? चलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वाई शुड वी किल दीज पीपल? इससे होगा क्या? भारत जब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है, जब भारत पाकिस्तान को आइसोलेट कर देता है, तो एक रैंडम, जैसे आज वो अदनान क्या नाम है उसका, अदनान समथिंग सर, अहमद, अदनान अहमद को मार दिया किसी ने, तो भारत को क्या बेनिफिट हो गया? अगर अदनान, उसका नाम हो सकता है सुलेमान होता, अगर वो मर जाता फिर क्या होता? होता क्या, हमें क्या फर्क पड़ता सर? वो मरे जिए, नोबडी नोज। या तो आपने बोला कि जी आपने हाफिज सईद को निपटा दिया, तब तो बात समझ में आती। तो आई डोंट थिंक इंडिया इज डूइंग इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर पाकिस्तान अपनी हाउसकीपिंग खुद कर रहा है। दैट इज व्हाट माय परसेप्शन इज, दैट इज व्हाट माय यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इज, कि अब पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि पाकिस्तान जो है अब यू नो इट कैन नो लॉन्गर सॉर्ट ऑफ अफोर्ड टू हैव दीज पीपल, कि ये लोग जाके बाहर मुंह खोलें या ये पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज करें, पाकिस्तान फिर इस बार डायरेक्टली ब्लैकलिस्ट में चला जाए, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि अब दुनिया ने बोल दिया कि वी विल नॉट यू नो, ये ड्रामा खत्म हो गया। और ये ड्रामा कब से हुआ है? मैं आपको बताता हूं, जब से अमेरिकन अफगानिस्तान छोड़ के गए। अब ना इस चीज में पैसा है, ना इसको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कवर मिल सकता है। तो जो कल पाकिस्तान के एसेट थे, ये अदनान टाइप के लोग जो आज कल मारा गया है, जो कल तक पाकिस्तान के एसेट थे सर, वो आज उसकी लायबिलिटी बन चुका है। लायबिलिटी कौन उठा के चलता है इस दुनिया में? कोई नहीं उठा के चलता। तो ये आई थिंक दिस इज द सिनेरियो सर। जी आपने कहा कि एक तरफ तो माइंडसेट है, दूसरी तरफ से कैपेबिलिटी नहीं रही पाकिस्तान के पास। यानी जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो पाकिस्तान आर्मी उसे मुराद है, क्योंकि उनका बेस ही जहाद फी सबीलिल्लाह पे है। लेकिन तीसरी तरफ हम ये भी देखते हैं सर कि यूएई हो, सऊदी अरब हो, दूसरे इंटरनेशनल स्टेक होल्डर हो, वो पाकिस्तान को बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि जनाब आप इस जहादी कारोबार से बाहर निकलें, और इंडिया के साथ जो नफरत है, जो गज़वाए हिंद का आपका जज्बा है, ज़रा इसको अब छोड़ दें। लेकिन ये जो बयान एक फ़ौजी का था, ये आपको एक आइसोलेटेड बयान लगता है, या अभी भी आप समझते हैं कि माइंडसेट फौज की जो कमान है, जो लीडरशिप है, उनका माइंडसेट अभी भी ऐसा ही है? सर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फौज का नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 99% ऑफ द पब्लिक का भी यही माइंडसेट है। उनका सर बस नहीं चल रहा। मैं आपको साफ तौर पे हिंदी में बता देता हूं, उनका बस नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इंडिया इज टू बिग, भारत की इकोनॉमी, भारत की फौज इतनी बड़ी है या इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा। मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैं बार बार पाकिस्तान के बारे में कहता हूं सर, इंटेंट और कैपेबिलिटी। इंटेंट यानी कि आपकी नियत, और कैपेबिलिटी आपकी हैसियत, कोई चीज करने की हैसियत, राइट? पाकिस्तान की नियत है लेकिन हैसियत नहीं है। जिस दिन हैसियत हो जाएगी, नियत ऑलरेडी है, हैसियत और नियत मिल जाते हैं तो ऑपरेशन हो जाता है सर। मैं यही चीज जो है, मैंने जो बताया कि पाकिस्तान के यूट्यूबर जो जाके लोगों से बात करते हैं और अच्छे मन से करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उन यूट्यूबर्स को गलत नहीं कह रहा, वो अच्छे साफ दिल से, नियत उनकी ठीक है। जो आवाम से पूछते हैं या टेलीविजन वाले जो आवाम से पूछते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब अगर इंडिया से आटा दाल आता तो फिर तो यहां पे सस्ता मिल जाता। जैसे फॉर एग्जांपल ये कई बार कहते हैं कि इंडिया से सब्जियां आती तो बड़ी सा टमाटर इतने भाव आ जाते, आलू इतने भाव आ जाते, मिर्चें जो धनिया वनिया है बहुत कम रेट पे हमें मिल जाता अगर भारत से आता। चलिए मैं ये कहता हूं कि अगर भारत की आपको जरूरत नहीं है, आपके यहां रेट ऑलरेडी लो है, पाकिस्तान का जो किसान है वो इतना पैदावार कर लेता है कि पाकिस्तान का पेट तो भर ले, उसके अलावा 50% से ज्यादा वो एक्सपोर्ट करे दुनिया भर में, मैं क्या तब भी पाकिस्तान अमन और शांति की बात करेगा? क्या तब भी पाकिस्तान कहेगा कि हम लोग अमन के फाख्ते उड़ाएंगे? क्या तब भी ऐसा होगा? नहीं होगा। आज अमन की बात पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तानियों की, और इसमें सिर्फ फौज शामिल नहीं है सर, इवन द पीपल। पाकिस्तान स्टडीज की वो घिसी पिटी किताबें पढ़ पढ़ के सबका दिमाग खराब हो रखा है सर वहां पे, पाकिस्तान स्टडीज कि हमने ये कर दिया फिर हमने, और सब झूठ लिखा है उसमें, सब झूठ। Somebody send me a chapter सर ट्रांसलेटेड, सो आई अंडरस्टूड कि इसमें सब फ्रॉड है पूरा, जितना मुझे समझ में आया कि
हमने ये कर दिया, हमारे इतने मौसम हैं, हमारे इतने दरिया, पता नहीं क्या अजीब अजीब सी हरकतें, पता नहीं इनको, यू नो सम लाइज दे टेल, मुझे नहीं पता, बट ये सब है, इट गोज टुवर्ड्स मेंटल कंडीशनिंग ऑफ अ पीपल दैट यू आर स्पेशल. एक मेंटल कंडीशनिंग होती है कि आप यू नो यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हैं और आपके सामने दुनिया सर झुकाएगी. ऐसा कई पाकिस्तानी सो कॉल्ड दानिश्वर लोग, सो कॉल्ड, ये बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को पालना दुनिया की मजबूरी है. दे हैव सेड इट ऑन पाकिस्तान टेलीविजन. मैंने देखा है वो, मैं नाम भूल गया उनका, बुजुर्ग है वो, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम, ओरिया मकबूल जान, वो अक्सर ही कहते हैं कि पाकिस्तान को डूबने से बचाना ये दुनिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान इतना अहम मुल्क है, पाकिस्तान इतना जरूरी मुल्क है कि अगर पाकिस्तान डूबता है तो अपने साथ पूरी दुनिया को डुबा ले. ये तो इनका माइंडसेट है. इनको यही नहीं पता लग रहा, अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान डूबता है, दुनिया कह रही है कल डूबता है, आज डूबे, आज डूबता है, अभी डूब जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन क्या है कि इनका इनका एक 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 अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की, सिर्फ ये चलती चली आ रही है, दादे ने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, बाप ने बेटे को, इस तरीके से देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग जो उनके दिमाग में चल रही है, एंड दे गो बाय दैट अंडरस्टैंडिंग. अभी इनकी हालत पतली है पाकिस्तान में, आवाम की हालत पतली है, रोटी नहीं है खाने को, तो इसीलिए अमन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं कि यहां से ये निकल जाए, वो निकल जाए, कुछ हो जाए यहां पे. जिस दिन इनके पेट भर जाएंगे, जिस दिन इनके बैंक में पैसे आ जाएंगे, बटुए में पैसे आ जाएंगे, फिर ये बोलेंगे हाफिज सईद को कि बेटा जा और फिर से एक 26/11 कर बंबई में, फिर से कर. देखिए पाकिस्तान का एक तो माइंडसेट ऐसा ही है कि गज़वाए हिंद की ख्वाहिश, और दूसरी तरफ आजकल पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को काट रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स, खासतौर पर पीटीआई के लोग जो हैं, जो सबसे ज़्यादा जहादी माइंडसेट के होते थे, पाकिस्तानी फ़ौज के सबसे ज़्यादा आशिक होते थे, वही आजकल फ़ौज के खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे होते हैं. लेकिन इमरान खान जो उनके लीडर हैं, वो इस वक्त सर जेल में है, और उनके खिलाफ नई नई किताबें भी आ रही हैं, और कैसे कैसे अजीबो गरीब स्कैंडल आ रहे हैं. तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ गजबे हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जहाद है, इसको सर कैसे देखते हैं आप? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो इमरान खान पे कौम को भरोसा है, राइट, पाकिस्तानियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ सर. इनको सारे के सारे 25 करोड़ के 25 करोड़ को एक मसीहा की तलाश है, और इनके पढ़े लिखे लोग भी, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि इंडिया में हम लोग ऐसी बातें नहीं करते, और कोई भी पढ़े लिखे मुल्क में ऐसी बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में ये बातें होती हैं, और जोर से होती हैं, और ताल ठोक के होती है कि बस एक आदमी ढंग का आ जाए वो सब कुछ ठीक कर देगा. एक आदमी आ जाए, फिर इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं कि भारत में उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गया, देखो ठीक कर दिया सर. इनको ये नहीं पता कि मोदी जी ने चीजें ठीक करी हैं काफी हद तक, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है देश के लिए, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन यह भी चीज है कि कई सालों से कई काम होते चले आए हैं भारत में, और भारत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दोज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. फॉर एग्जांपल द इलेक्शन कमीशन, हम क्योंकि इमरान खान की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, अभी 4 जगह हमारे इलेक्शन हुए, किसी ने यह नहीं बोला कि इलेक्शन में धांधली हुई है, किसी ने कुछ नहीं बोला, राइट, एवरीबॉडी ग्रेसफुली एक्सेप्टेड द रिजल्ट्स, बोला कि वील यू नो कांग्रेचुलेशंस टू द विनर एंड नेक्स्ट टाइम वील डू बेटर, और हम और अपने एजेंडा को सामने लेके चलेंगे जो हम लोगों को देना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उसका नहीं खत्म हो गई. तो ये जो बात करते हैं ना सर पाकिस्तान में कि ये है, अपने खुद के बीच में आपने बोला कि जिहाद लड़ रहे हैं, इसको काटो, उसको काटो, इसको काटो, बिकॉज पॉलिटिकली दे आर वेरी शैलो सर. काटना ठीक है, बिल्कुल काटिए आप, बिल्कुल काटिए आप, 110% आपको अपने जो विरोधी है, जो आपका आपके खिलाफ है पॉलिटिक्स में, आप उसको एक्सपोज करेंगे. ये तो भारत में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, आप कनाडा में, सर कनाडा में भी होता है, हर जगह होता है, तो उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा. बट क्या इमरान खान, जो कि इतना पॉपुलर लीडर है, क्या इमरान खान ने वेबसाइट पर अपनी पार्टी की कोई पेपर डाला कि दिस इज माई विजन ऑफ द इकोनॉमी? हैज ही पुट सम सॉर्ट ऑफ अ व्हाइट पेपर or a concept note or a position paper on the economy or on diplomacy? Nahi, pakistaniyon ko in sab cheezon se, they don't want to do the hard yards, jisko cricket mein kehte hai na, you have to do the hard yards. They don't want to do any hard work. What they want to do is, they just want ki everything should be cooked and served on the plate, aur ye bas kha le. Ek masiha aayega, wo sab theek kar dega, bas ek bande ki zarurat hai. Ab inko 75 saal se ek hi banda nahi mil raha, 25 करोड़ में इनको एक बंदा नहीं मिल रहा जो पाकिस्तान को ठीक कर दे.
तो मैं इनको यही बोलना चाहता हूं कि भाई एक बंदा कुछ नहीं होता, इट्स अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन, इट्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, और आपके जो इदारे हैं उनको स्ट्रांग होना पड़ता है, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, उनको अपनी तरीके से काम करना पड़ता है और सब मिलके करते हैं, इट्स अ टीम एफर्ट। और ये चीज तो खान साहब को समझनी चाहिए, क्रिकेट के कप्तान थे वो, बहुत सक्सेसफुल वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उनको टीम वर्क का मतलब नहीं समझ रहा है, वो सोच रहे सिर्फ कप्तान जीत जाता है मैच, ऐसा तो नहीं होता। इवन अ कैप्टन लाइक एमएस धोनी नीड्स अ टीम, विदाउट अ टीम एमएस धोनी कांट प्ले क्रिकेट सर, 11 बंदे लगते हैं फील्ड में। तो यही पाकिस्तानियों का ना ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो गजवा बीच में कर रहे हैं ना सर, एक्चुअली पॉलिटिकली शैलो है, इनको ये भी नहीं पता कि पॉइंट स्कोरिंग कैसे करनी है। आई हैव सीन देयर डिबेट्स एंड देयर डिबेट्स ऑन पब्लिक इश्यूज आर वेरी जुवेनाइल सर, ये पब्लिक के इश्यूज की बात ही नहीं करते, ये डायलॉग बाजी करते हैं जैसे पुरानी पंजाबी फिल्मों में नहीं होती थी, ओ मौला जट टाइप की ना, ओ मौलिया घोड़े पे चढ़ा फिर उसने अपना गंडासा निकाला, ये दे आर इनटू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो पॉलिटिकली जुवेनाइल हैं, इतने परिपक्व नहीं हुए, इतने मैच्योर नहीं हुए, और दूसरी चीज है कि ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट वन मैन हु विल डू एवरीथिंग, वो ऊपर से आएगा फरिश्ता है, पंख लगा के आएगा नीचे, इस्लामाबाद में उतरेगा और ऐसे ऐसे हाथ लाएगा और पाकिस्तान नंबर वन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगा उस एक बंदे का। नोबडी वांट्स टू डू द हार्ड यार्ड सर। आपने कहा कि पाकिस्तान में एक माइंडसेट है गजवाए हिंद के साथ साथ कि एक कोई सुल्तान आएगा, मसीहा आएगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा, और उन्होंने एक मसीहा ढूंढा भी इमरान खान की सूरत में। इमरान खान के बारे एक नई किताब आई थी मिस हाजरा खान की, तो उस किताब पे शायद आपकी निगाह पड़ी हो या कुछ उसके आपने एक्सट्रैक्ट्स देखे हो, तो हाजरा खान की किताब के हवाले से आप क्या कमेंट्री करेंगे? बड़े अजीबोगरीब उसमें इंकशाफात थे। सर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है किताब के बारे में, मैंने सुना है लेकिन मैंने उसके एक्सट्रैक्ट्स पढ़े नहीं, किताब नहीं पढ़ी तो मैं कह नहीं पाऊंगा। लेकिन ये होता क्या है मैं बताता हूँ सर आपको, जैसे कि ना ये एक माइंडसेट होता है सर टिपिकल, जैसे जो लखनऊ के नवाब थे ना, अब दे बिकेम वेरी रिच, और जब वो अमीर बन गए और एक पीरियड था 100-200 साल का प्रोस्पेरिटी का, तो फिर जो लखनऊ में कहते हैं कि खाने अलग अलग किस्म के, एक लखनवी तहजीब जो उभर के आई जो दुनिया भर में बड़ी मशहूर है, या उनके बोलने का तौर तरीका, किस तरीके से बोलते हैं, ये अदब है जो पूरा, इट हैपेंड इन अ सर्टेन एनवायरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी सर। और फिर वो नवाबों ने ये बोला कि ठुमरी और ख्याल और इसको आप इनकरेज करिए और ये सब करिए, तो हर एक चीज के लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सर, एक खास आपको फसल चाहिए होती है, जो एक खास जो मिट्टी है ना, उस खास मिट्टी में वो खास फसल उगती है सर। अब पाकिस्तान मैं आपको बताता हूं, ये किताब के बारे में आई डोंट नो, ये खातून कौन है मुझे नहीं पता, मैंने सुना है, बस मैंने सुना है कि ऐसी ऐसी कोई किताब आई थी जिसमें कुछ इमरान खान के बारे में चीजें लिखी थी जो कि मुनासिब नहीं थी, और सच थी लेकिन फिर भी मुनासिब नहीं थी। अब मुझे नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन व्हेन यू हैव अनब्रिडल्ड पावर ना सर, जब लोग आपको इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं क्योंकि आपने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, ठीक है सर, वर्ल्ड कप जीता, वो तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी जीता, तो क्या हो गया, हम कपिल देव ने भी जीता, हम क्या करें फिर, बना दे उनको प्रधानमंत्री। तो ये सेकेंड थिंग इज सर, लैक ऑफ हीरोज इन पाकिस्तान, ये आपके और मेरे बीच में पहले भी बात हो चुकी है, एक्सक्यूज मी सर, देयर इज एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ हीरोज इन पाकिस्तान, इनके सारे हीरो भी इंपोर्टेड है सर, तो इनके पास कोई लोकल हीरो है ही नहीं। तो सदियों में जब एक कोई बेचारा टूटा फूटा निकलता है, उसी को मसीहा मान के उसी के पीछे ये लोग लग लेते हैं। पाकिस्तान हैज नो लोकल हीरोज, इनकी जितनी भी मिसाइलें हैं सर, ये जितनी भी हैं मिसाइल्स, ये सब अफगान के ऊपर नेम है ना, इनकी दुर्रानी और गजनवी और पता नहीं घोरी और बाबर शाबर, पता नहीं ये सब सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से, इनकी कोई एक मिसाइल है सर हुज नेम्ड आफ्टर अ लोकल पर्सन फ्रॉम देयर? नो, इनके हीरोज वो नहीं है, इनके इनके जो ड्रामे देखते हैं वो ये इनको तुर्की के चाहिए। हर एक बंदा अपने एंसेस्ट्री ट्रेस करना चाहता है कि मैं सेंट्रल एशिया से आया था, मैं हम तुर्क हैं, हम फला, ये एक मैडनेस है सर अपनी मिट्टी से ना जुड़े रहने की। जब आप अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ते फिर आपका कोई एंकर नहीं होता ना, फिर आप फ्री फ्लोटिंग रहते हैं, कहीं यहां टपक गए वहां टपक गए, यही पाकिस्तान के साथ चल रहा है सर। जी आपने कहा कि कोई लोकल हीरो नहीं, अपना हीरो नहीं, अपनी मिट्टी के साथ
जुड़े हुए नहीं, और मिसाइल भी जो सेंट्रल एशियन और ख़ास तौर पर अफ़गानों के नाम पर हैं। देखिए, मिसाइल तो अफ़गानों के नाम पर रख दिए, मगर अब उन्हीं मिसाइल के मुंह भी उन्होंने अफ़गानों की तरफ मोड़ रखे हैं, अफ़गानों को बाहर निकाल रहे हैं। तो इस पे आप क्या तबसरा करेंगे कि क्या मिसाइलों के नाम अफ़गानों पे रखना ही काफ़ी था, या अफ़गानों के साथ जो बुरा सलूक किया है उसका भी कोई हिसाब किताब होगा? सर अगेन मैं कहता हूं ना कि जिस कौम में सच नहीं बोला जाता ना, उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये इन्होंने सच नहीं बोला, पाकिस्तान में झूठ बोला गया। हमने 50 लाख अफगानों को बैठ के रोटी खिलाई थी। अब दिस इज फ्रॉड। ये क्यों फ्रॉड है? इसकी दो तीन वजूहत है। पहली चीज, उनको पैसे मिले थे करने के लिए। बिना पैसे के सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम ना करें सर, बिना पैसे के पाकिस्तानी। इनको पैसे मिले, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका था वहां पे पहले भी इनडायरेक्टली इनके थ्रू, फिर अमेरिका 20 साल तक बाद में रहा 9/11 के बाद। यह भी एक बहुत बड़ा सच है। इन्होंने अफगानों को सर पहले क्यों नहीं निकाला, आज से एक साल पहले क्यों नहीं निकाला? क्यों? इसमें जो पाकिस्तान में टेरर अटैक, जो पाकिस्तानी कहते हैं सर कि हमारे 80,000 लोग मर गए, हमारे 80,000 लोग एंटी टेरर ऑपरेशन में 80,000 हमारे इनोसेंट लोग मर गए, ये 80,000 का फिगर आपने सुना है सर? तो अगर 80,000 लोग ये पाकिस्तान के खत्म हो गए तो ये कई साल में होंगे, एक दिन में तो नहीं हुए 80,000 खत्म, ये तो कई साल में हुए हैं। तो अगर कई साल, और इनके साथ लग कौन रहा है? इनके साथ अफगानिस्तान लग रहा है। इन्होंने अफगानों को पहले क्यों नहीं निकाला सर? व्हाई डिडंट दे थ्रो आउट द अफगान्स अर्लियर? व्हाई नाउ? व्हाई लास्ट मंथ? क्यों अचानक इनको बुखार चढ़ा कि अफगानों को निकालो? टेररिज्म तो आज से थोड़ी ना हो रही है पाकिस्तान में, कई समय से हो रही है। ये ज़र्बे अज़्ब है, रदुल फसाद है, ये जितने भी ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तानी फौज ने करें, रेंजर्स ने करें, ये किसके खिलाफ करे थे? कुछ कुछ बताएंगे ये लोग तो कुछ समझ में आएगा कि भाई ये हमने इनके खिलाफ करे थे। तो आपने अफगानों को पहले क्यों नहीं करा, पहले क्यों नहीं निकाला? पहले भी अफगान आते थे, इनको ठोक के जाते थे। तो इन्होंने क्या करा कि स्मगलिंग हो रही है, ये हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं और करेंसी दाएं बाएं जा रही है, स्मगलिंग हो रही है हर चीज की, तो यहां पर ड्यूरेंट लाइन में फेंस बनाओ। तो फेंस बना दी इन लोगों ने पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन में। लेकिन सर फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये जो अफगानों के साथ सलूक कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक गाय दूध देती है तब तक लोग पालते हैं, जब गाय दूध नहीं देती तो उसको भगा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है। राइट? बकरी दूध दे रही है तब तक ठीक है, जिस दिन बकरी दूध नहीं देगी दैट बकरी इज यूजलेस। तो यही चीज कर रहे हैं लोग सर। जी आखिर में मेरे साहब इस बात पे भी रोशनी डालिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा टेरर अटैक्स हो रहे हैं। अभी चलास में एक बस पे फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि अफगान महाजरीन में से कुछ लोग ये कर रहे हैं, अब उनको भी निकाल रहे हैं। और बलूचिस्तान में भी बहुत मसाइल चल रहे हैं, मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार फिर से कर लिया गया। तो ये जो सारे का सारा मंजरनामा, एक तरफ पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने बुरे हैं, फिर उस पर टेरर अटैक होते हैं, जब कोई बस नहीं चलता तो भारत पे उंगली उठा देते हैं, तो ये पूरे का पूरा मंजरनामा टेरर अटैक्स का, ये आज के पाकिस्तान को आगे कल में कैसे लेकर जाएगा? सर ये देखिए, जब तक पाकिस्तानियों में ये एक बात नहीं समझ में आएगी, ठीक है, एक बात उनको क्लियर नहीं होगी एकदम पाकिस्तानियों को कि टेररिज्म किसी के खिलाफ भी हो वो बुरी है, वो नहीं करनी चाहिए, तब तक ये चीजें कभी हाथ में इनके नहीं आएंगी सर। ये सर के बल खड़ा हो जाएं, ये सड़क पर नाचें बीच दोपहरिया, ये मामला कभी खत्म नहीं होने वाला है। मामला कब खत्म होगा सर, मैं आपको बताता हूं। इनको ये लगता है कि लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद अच्छे लोग हैं, वो तो कोट अनकोट फ्रीडम फाइटर्स है सर, क्योंकि काफिर के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो फ्रीडम फाइटर है। लेकिन अब कोई अफगानिस्तान में है वो सोचता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान फ्रीडम फाइटर हैं, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये समझता है कि अटक तक एरिया अफगानिस्तान का है, वो ये समझता है कि इसको अलग करना चाहिए, वो ये समझता है कि ये गंदे मुसलमान है, ये तो मुसलमान है ही नहीं पाकिस्तानी, ये तो गंदे हैं, इनको मुसलमान हम बनाएंगे। और उनका जो तालिबान का मुसलमान बनाने का एक इंसान को प्रोसेस है सर, वो दैट इज अ हाईली पेनफुल प्रोसेस, वो इतना वो प्यारा प्रोसेस नहीं है कि कलमा पढ़ दिया मुसलमान बन गए। वो जब मुसलमान बनाते हैं फिर मुकम्मल मुसलमान बनाते हैं टोटल, जो तालिबान वाले बनाते हैं। तो अब वो इनको मुसलमान बना रहे हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है बॉम्ब ब्लास्ट का वगैरह, इन्होंने छेड़ा पठानों को, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने छेड़ा।
इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने दखल अंदाजी करी, इन्होंने सिविल वॉर करवाया, इन्होंने मुजाहिदीन तैयार करे। आपने एक नस्ल तैयार कर दी, आपने दो नस्लें तैयार कर दी, बाय द वे सर एक नस्ल नहीं, बाय द वे दो नस्ल, आपने दो नस्ल तैयार कर दी जिसको सिर्फ ये आता था सर ठा ठा ठा, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, ना उसको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आती, ना वो शेफ का काम कर सकता, ना वो वकील का काम कर सकता, ना इंजीनियर का काम कर सकता, उसको सिर्फ एक चीज था कि मुझे जिहाद लड़ना और ये कलमे वाली उंगली ऐसे चलानी है, ट्रिगर दबाना उसको आता है, आपने उसको बचपन से ही सिखाया, अब वो ट्रिगर तो दबा रहा है और अब इनको इसमें ही प्रॉब्लम है कि इतने ज्यादा ट्रिगर क्यों दबा रहा है। तो इन्हीं के बोए हुए बीज हैं सर, ये बबूल के बीज इन्हीं के बोए हुए हैं, ये जिहाद विहाद जो भी करे इनको क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानियों को, दे वॉन्ट, एंड आई एम नॉट सेइंग ओनली आर्मी, नॉट ओनली आर्मी, हमारे 40 भाई पुलवामा में चले गए, ठीक है सर, वीरगति को प्राप्त हो गए सीआरपीएफ के भाई हमारे, पाकिस्तानी कंडेम नहीं करेंगे सर, पाकिस्तानी कंडेम नहीं करेंगे, कोई पाकिस्तानी ये नहीं बोलेगा कि दिस इज अ केस ऑफ टेररिज्म एंड इट मस्ट स्टॉप, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि दिल से टेरर सपोर्टर है, जिसकी असेंबली में आप ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल देंगे नेशनल असेंबली में, यानी कि पार्लियामेंट हो गई ना नेशनल असेंबली देश की, नेशनल असेंबली में आप ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल देंगे तो सर फिर मतलब कि वो तो माइंडसेट है, वो तो लोगों का, बिकॉज पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल, इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो जैसा इमरान खान सोचेगा उसके लाखों करोड़ों फॉलोअर सोचेंगे, तो जब ओसामा बिन लादेन आपके लिए हीरो है, जब ओसामा बिन लादेन आपके लिए शहीद है, तो फिर आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ओसामा यही तो करता था, ये लोग भी यही कर रहे हैं, फिर इसमें 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 स्ट्रेस क्यों लेना सर दादा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आपने बड़े अच्छे ढंग के साथ पाकिस्तान का जो गज़बा हिंद का माइंड सेट है वो हमारे व्यूअर्स को समझाया और बताया कि ये चेंज होने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें व्यूअर्स बातचीत सुनी आपने मेजर गौरव आर्या जी की। आने वाले दिनों में हम बाकायदगी से मेजर साहब की बातचीत आपके सामने पेश करते रहेंगे। आज की बातचीत देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.